केंद्र से जीवा पर लंब। कागज पर एक वृत्त खींचिए, इसका केंद्र ओ तथा ए बी इसकी एक जीवा है। केंद्र से जीवा ए बी पर लंब डालिए, आकृति 22, जो ए बी से एम पर मिलता हो। ए एम और बी एम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या ये बराबर हैं? कैसे पता करेंगे? यहाँ हम गणित के कौन से तर्कों का प्रयोग करें? क्या हम त्रिभुजों की सर्वांग समता का प्रयोग कर सकते हैं? प्रमेय 3, कथन। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बच्चों, चलो अब हम वृत्त के एक दूसरे गुणधर्म पर बात करते हैं, जिसके अनुसार वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि केंद्र से जो लंब डलता है वो जीवा के जिस बिंदु पर मिलता है वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो क्योंकि केंद्र से लंब डालना है जीवा पर, तो चलिए इसके लिए वृत्त पर एक जीवा ले लेते हैं ए बी। तो हमने ये दो बिंदु ले लिए, देखिए ये बिंदु हो गया वृत्त की परिधि पर ए, और ये बिंदु ले लेते हैं वृत्त की परिधि पर बी। इस पे हमने जीवा बनानी है, तो जीवा बनाने के लिए ये धागे की सहायता से हम जीवा बनाएंगे। ये हमने एक जीवा ए बी बना ली, ठीक है। अब हमें वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालना है, तो फिर से इसी धागे का प्रयोग करके यहाँ से आप इसे अच्छी तरीके से फिर से फंसाकर, अब हमें ये देखिए, क्योंकि हमें जीवा पर लंब डालना है तो लंब यानी कि जीवा पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जीवा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड जो मिलेगा वो उस पर लंब होगा। इस चांदे की हम सहायता से इसे करते हैं, तो चांदे को हम इस प्रकार यहाँ पर रख लें और आधार रेखा से हम इसे मिला लें जीवा को। ये देखिए ये हो गया आधार रेखा पर, चांदे की आधार रेखा पर हमने जीवा को मिला लिया है। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये 90 अंश का कोण बनाता हुआ ये रेखाखंड दिखाई दे रहा है। ये जिस बिंदु पर जीवा से मिल रहा है उसे हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए अब हमें यह देखना है कि ये जो रेखाखंड है यह जिन भागों में बांट रहा है वे भाग आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए स्केल की सहायता लेंगे। स्केल की सहायता से हम देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा धागा रखा हुआ था, हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए ये आ रहा है 12.5। अब इसी प्रकार इस जीवा के दूसरे हिस्से को देख लें, आप 12.5 नोट कर लें। और अब हम फिर से यहाँ से इस बिंदु पर जो परिधि का बिंदु बी है वहाँ हमने 0 सेट कर लिया, और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर, देखिए ये 12.5 इस बिंदु पर, 0 से ये आ गया यहाँ पर 12.5। मतलब केंद्र से हमने जीवा पर जो लंब डाला था वो जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो जो होता है वो जीवा पर लंब होता है। चलिए हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा इस गुणधर्म का, अब हम इसे तार्किक रूप से सिद्ध करते हैं।